मैं आज आपको बताऊंगी कि घर पर बाजार जैसा व्हिप क्रीम बनाने का आसान तरीका और उसी के साथ में इस व्हिप क्रीम से केक को डेकोर करना भी आप लोगों को बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं व्हिप क्रीम को घर पर आसानी से कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई। तो गैस को मैंने अभी ऑन नहीं किया है, ऑफ है। और इसमें डाल देंगे एक गिलास जितना दूध और डाल देंगे एक कप जितना चीनी और उसी के साथ इसमें डाल देंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पे चाय के चम्मच से ले लिया है मैदा 3 चम्मच। तो डाल देंगे और मैदा को डालने के बाद अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर ली है और उसके बाद अभी गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको पका लेना है। तो यहाँ पे ना आप लोगों को गैस के फ्लेम को एकदम लो ही रखना है और लो फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए पका लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो दूध है गाढ़ा हो चुका है। अभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल और सभी को बोल पे निकाल लेंगे अभी इस तरह से। तो मैंने सभी को बोल पे निकाल लिया है। अभी लेंगे इस तरह से एक प्लास्टिक और रबर बैंड से इसे कवर कर लेंगे और इसको ना फ्रिज पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए चलते हैं अभी दूसरी तैयारी करने। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल। अभी इसमें ऐड करेंगे बटर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप जितना बटर। तो बटर को डाल देंगे और डालने के बाद इसको इस तरह से फोक की मदद से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना इस तरह से अच्छे से फोक की मदद से फेंट लेंगे। आप चम्मच की मदद से भी इस तरह से फेंट सकते हैं। तो कुछ देर इस तरह से मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बटर है एकदम लाइट हो चुका है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे फोक की मदद से। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बीटर। अभी बीटर से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक हमारा जो बटर है एकदम क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगभग 10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर ली है। हमारा जो बटर है एकदम फ्लफी हो चुका है। तो 10 मिनट हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पे फ्रिज से बोल को निकाल लिया है और अभी क्या करेंगे, जो बटर को अच्छे से मिक्स करके रखा था ना इसमें 2 चम्मच डाल देंगे पहले और डालने के बाद अच्छी तरह से बीटर से मिक्स कर लेंगे। तो एकदम से आप लोगों को नहीं डालना है, 2 चम्मच 2 चम्मच ही इस तरह से पहले डाल लेना है और डालने के बाद अच्छे से बीटर से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से ले लिया है 2 चम्मच और 2 चम्मच डालने के बाद फिर से बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ना आप लोगों को 2 चम्मच 2 चम्मच पहले डाल लेना है और बाद में बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेना है, तभी आपका जो क्रीम है अच्छे से बन पाएगा। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से 20 मिनट तक इसको मिक्स कर ली है और हमारा जो क्रीम है आप लोग देख सकते हैं एकदम व्हिप क्रीम की तरह बना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम फ्लफी और एकदम क्रीमी। तो अभी इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच इतना डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अभी इस तरह से बोल को पलट के मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल नहीं पड़ा है, कितना फ्लफी और क्रीमी बना है हमारा व्हिप क्रीम घर पर आसानी से। तो आप भी इस तरह से मैदे से घर पर आसानी से व्हिप क्रीम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर रख दिया है केक को और इस तरह से शुगर सिरप लगा लेंगे चारों तरफ और उसके बाद हमने जो व्हिप क्रीम बना के रखा था ना वो इसमें डाल देंगे और डालने के बाद ना इनको चारों तरफ फैला लेंगे। तो मुझे ना केक सजाना नहीं आता है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केक को बनाया है और फिर व्हिप क्रीम से इस तरह से सजाया है। मैंने ना जो व्हिप क्रीम बनाया है आप पूरा एक केक आसानी से सजा सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर से डेकोर कर लेंगे। तो मुझे ना डेकोर करना बिल्कुल नहीं आता है, सिर्फ व्हिप क्रीम को मैंने जो बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए ही इस तरह से डेकोर किया है। अगर आप लोग गांव से हो तो इस तरह से घर पर आसानी से व्हिप क्रीम बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे केक को डेकोर के लिया है। तो मुझे थोड़ा बहुत जो सजाना आता था मैंने सजा लिया है, देख सकते हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, एकदम बाजार जैसा ये व्हिप क्रीम बनकर तैयार होता है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।